स्ट्रेस की वजह से निधि को पीसीओडी की वजह से बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे। अब निधि की स्किन पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, तो आज इस वीडियो में आपको निधि की स्किन केयर रूटीन दिखाई जाएगी। एंड एक बहुत हेल्पफुल सजेशन ये होती है, जिन लोगों को भी पीसीओडी है, इनफैक्ट जिनको नहीं भी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छा घर का खाना खाएं, हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। दिन में 45 मिनट्स बहुत रहते हैं, आप चाहें तो तेज़ तेज़ सैर कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी करें बट एक्सरसाइज ज़रूर करें। गाइज, आप मुझे देख रहे हो निधि जैन को वर्तिका आनंद के चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा मॉर्निंग टाइम स्किन केयर रूटीन क्या है, मुझे पीसीओडी है और पीसीओडी स्किन केयर रूटीन में मैं पर्सनली क्या करती हूँ वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, और आपको सभी डिटेल जो है प्रोडक्ट के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लिंक्स के माध्यम से, तो आप उन्हें क्लिक कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रूल होता है CTM, तो सी यानी क्लेंजिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ बायोटिक बायो आयुर्वेदा का ये फेस वॉश। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है। अब इसमें भले लिखा है बायो वाइट वगैरह, मैं इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करती हूँ पर्सनली, बट ये जो फेस वॉश है ये आपका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरह से कम करता है। लाइक पर्सनली मुझे डार्क अंडर आर्म्स का इशू था, और जो यहाँ है थोड़ा माउथ के अराउंड और यहाँ थोड़ा पिगमेंटेशन भी था, बट आप देख सकते हो मैंने ये फेस वॉश इतनी बड़ी बॉटल से बस इतना सा रह गया, इतना ज़्यादा यूज़ किया है। ये कसम से जो पिगमेंटेशन है उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है और गायब नहीं कर देता। कोई भी प्रोडक्ट एकदम से ऐसे चुटकी बजा कर गायब नहीं कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने में, कम करने में पिगमेंटेशन इस फेस वॉश ने हेल्प किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड, जेंटल और आयुर्वेदिक फेस वॉश है, कम्प्लीटली नेचुरल है, तो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है। और एक्ने प्रोन स्किन पर मुझे नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है मेरा फेस वॉश जो मैं यूज़ करती हूँ। और फिर बाद में स्क्रब के लिए मैं 2 स्क्रब्स यूज़ करती हूँ। एक है ये हिमालया हर्बल्स का प्यूरिफाइंग नीम स्क्रब, आप देख सकते हो मैंने इसे कितना ज़्यादा यूज़ किया है, एकदम नाम के लिए बस बच गया है इस ट्यूब में। तो ये जो है ये नीम स्क्रब है, और इसमें थोड़ा सा एप्रिकॉट के ग्रैन्यूल्स है जो स्क्रब करने में हेल्प करते हैं। काफ़ी जेंटल स्क्रब है तो ज़्यादा हार्श नहीं है, पिंपल वाले स्किन पे ज़्यादा हार्श स्क्रब्स नहीं यूज़ करना चाहिए, तो मैं ये स्क्रब यूज़ करती हूँ। और कभी कभी इसे ऑल्टरनेट करती हूँ मैं इस दूसरे स्क्रब से। ये है गुड वाइब्स का ग्रीन टी ब्लेमिश कंट्रोल स्क्रब। अब ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और जेंटल एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, ज़्यादा ड्राई नहीं बनाता और आपकी स्किन इसे ड्राई फील नहीं करती। आप देख सकते हो बहुत ही बारीक से इसमें भी ग्रैन्यूल्स हैं जो एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं स्किन को। तो ये जो स्क्रब है इसकी स्मेल मुझे बहुत पसंद है, ग्रीन टी वाली स्मेल है, और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा उमदा फेस स्क्रब्स हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी लगते हैं। तो फेस स्क्रब्स के लिए मैं वो यूज़ करती हूँ। फेस वॉश होने के बाद थोड़ा सा स्क्रब करना पसंद है, हफ्ते में 1 या 2 बारी, और फिर हफ्ते में 1 या 2 बार फेस पैक्स यूज़ करना पसंद करती हूँ। फिर से आयुर्वेदिक फेस पैक मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक आयुर्वेदा का बायो फ्रूट डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक। ये इसी का कॉम्बिनेशन वाला वर्जन है, दोनों में सेम इंग्रेडिएंट्स है, पूरा फ्रूट बेस्ड है ये। तो इसमें लेमन है, देन स्ट्रॉबेरीज है, पोमोग्रेनेट है, सिट्रस है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हीलिंग और एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। ये यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा क्लेंस फील आता है और डीपिगमेंटेशन करने में ये हेल्प करेगा, स्पेशली जब टैन हो जाता है स्किन तब मैं ये फेस पैक यूज़ करती हूँ। और इसका कलर जो है बहुत ही प्यारा पिंक कलर है, आप देख सकते हो मैंने काफ़ी यूज़ किया है ये भी। तो ये फेस पैक लगा के 10-15 मिनट में आप इसे फेस वॉश कर सकते हो और यू आर डन, इतना ही करना है इस फेस पैक से। और फिर ये जो है ये मेरा नहाते वक्त का रूटीन होता है यूजुअली। ये हो जाने के बाद बाहर का जो मेरा स्किन केयर रूटीन है मॉर्निंग का, उसमें जैसे मैंने बताया था ये था मेरा सी स्टेप यानी क्लेंजिंग। अब आता है क्लेंजिंग के बाद टोनिंग यानी टोनर। टोनर का मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर। इसके साथ साथ मैं ऑप्शनल में दूसरा एक और टोनर है बायोटिक का, वो एक हनी वाटर है और दूसरा क्यूक्यूम्बर वाला है। वो दोनों भी टोनर्स मेरे पास है बट फिलहाल कबर्ड में है और कबर्ड की चाबी मुझे नहीं मिल रही, तो वो दो टोनर्स भी है। तो इन तीनों टोनर्स को मैं यूज़ करना पसंद करती हूँ। और ये जो है ये स्प्रे फॉर्म में है, तो सीधा इस तरह से
मैं स्प्रे कर सकती हूँ अपने फेस पे और इसे सेटल होने देना है, आपके स्किन में एब्जॉर्ब होने देना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टोनर है और ग्रीन टी जो है वो ब्लेमिश पे और एक्ने स्कार्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसलिए आप देख सकते हो बहुत से मेरे प्रोडक्ट्स में ग्रीन टी ये मैंने चूज़ किया हुआ है। उसका रीज़न वो है ताकि मेरा जो एक्ने इशू है उन पर मैं टारगेट कर सकूँ। उसके बाद टोनिंग हो जाने के बाद आती है बारी CTM यानी M फॉर मॉइस्चराइजिंग की। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं या तो एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ या तो वाटरमेलन जेल यूज़ करती हूँ। एलोवेरा जेल मैंने ख़त्म कर दिया है इसलिए अब मैंने स्टार्ट किया है वाटरमेलन जेल यूज़ करना। यह है गुड वाइब्स का वाटरमेलन जेल। बहुत प्यारा पिंक कलर का जेल फॉर्म है ये और इसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तरबूज की फ्रेश वाली स्मेल आती है इसमें से। अब मैं जो करती हूँ एक अलग स्टेप मेरे एक्ने प्रोन स्किन के लिए वो है एसेंशियल ऑयल का यूज़। वो है टी ट्री वाला एसेंशियल ऑयल्स, ये फिर से गुड वाइब्स का है। ये है गुड वाइब्स का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। मैं करती हूँ कि एक दो ड्रॉप्स इस ऑयल का इस मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। टी ट्री ऑयल जो है वो मेरे एक्ने स्कार्स पर और पिंपल्स पर टारगेट करेगा और उन्हें कम करने में हेल्प करेगा, इसलिए मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ। इस तरह से उसका अमाउंट लेकर हाथ में उसमें मैं इसके एक या दो ड्रॉप्स डाल दूंगी टी ट्री ऑयल के और फिर मैं इसे अपने फेस पर अप्लाई कर देती हूँ। तो एक बार ये मॉइस्चराइजिंग हो गया, बचा कुचा मेरे हाथ पर लगा देती हूँ क्योंकि वेस्ट क्यों करना। और एक वो हो जाने के बाद मॉर्निंग टाइम में मुझे सनस्क्रीन यूज़ करना एसेंशियल स्टेप है और मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। ये है बेलो का फोटोस्टेबल जेल सनस्क्रीन। ये जो है ये मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था मेरे लिए, मेरे स्किन टाइप के लिए, इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। आप न्यूट्रोजीना का यूज़ कर सकते हो या लोटस के जो जेल फॉर्म वाले हैं वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वाले जो है ना ये वाइट कास्ट नहीं क्रिएट करते आपके स्किन पे और प्रोटेक्शन भी देते हैं। ये वाला सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है। इसका पी साइज अमाउंट निकालना है और फिर इसे मैं बस इस तरह से डॉट कर देती हूँ। बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं रहता है और साथ ही साथ मॉइस्चराइजिंग भी है। इस तरह से इसे अपने स्किन में रब कर देना कान पर और एक्सपोज्ड एरियाज जो है आपके हाथ वगैरह उन पर भी अप्लाई करना होगा है सनस्क्रीन। और बस इस तरह से हाफ एन आवर पहले घर से निकलने से मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ और फिर और उसके बाद मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ एकदम यूवी प्रोटेक्टेड। तो इस तरह से मेरा शॉर्ट स्किन केयर रूटीन है। शायद इससे छोटा स्किन केयर रूटीन आपको ना मिले यूट्यूब पर ये मुझे प्रैक्टिकल लगता है जो मैं एक्चुअली करती हूँ और मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद जो मेरे काम आ रहे हैं सच में जो इफ़ेक्टिव है वो वाले प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।